please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। राजस्थान के भीलवाड़ा में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोटा चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग पर पटरी के 18 क्लिप निकले पाए गए। ट्रैक की जांच करते वक्त एक रेलवे कर्मचारी को जब इसका पता चला तो उसकी जानकारी रेलवे इंजीनियर को दी गई, जिसने मांडलगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। भवानी, क्या जानकारी? अर्पिता, ये भीलवाड़ा के अंदर है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर मांडली स्टेशन है। वहां पर एक ब्रिज के पास में से ट्रेन की पटरी उसके नीचे से 18 स्लीपर्स किसी ने निकाल लिए, क्योंकि जब जिस टाइम वो ट्रैक की चेक कर रहा था, चेकिंग के दौरान पाया गया कि स्लीपर्स नहीं थे। अगर पहले पता नहीं पड़ता तो कोई हादसा हो सकता था। फिर उसके बाद में पुलिस के अंदर केस दर्ज कराया गया कि या किसने, ये किसी की साजिश है या कैसे हुआ, किसी की चूक है, इसकी जांच की जा रही है। जी शुक्रिया भवानी। हांगकांग में एक घर तेज हवा के साथ तिनके की तरह उड़ गया। उस घर का ये हाल हाथों नाम के तूफान से हुआ, जो हांगकांग के तट से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। इससे कई इलाकों में समंदर का पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। और हाथों नाम के इस तूफान की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक घर को ही अपने साथ ही उड़ा ले गया। हवाएं इतनी तेज थी कि एक इमारत के आगे खड़ी वैन पलट गई। एक इलाके में एक इमारत के ऊपर लगी क्रेन गोल गोल घूमने लगी। तूफान के तट से टकराने के बाद समंदर में 10 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठने लगी। समंदर के किनारे बने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बने घरों में भी पानी घुस गया और उसके बेसमेंट में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तूफान के अलर्ट के बाद हांगकांग के स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद कर दिए गए, जबकि अब तक हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा चुके हैं। प्रशासन की इस मुस्तैदी की वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तूफान से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ, क्योंकि तेज हवाओं के साथ शहर के बड़े हिस्से में समंदर का पानी भर गया। इस पानी में कई इमारतें डूब गईं। एक फैक्ट्री से जब कुछ लोग सामान को दूसरी जगह पहुंचाने लगे तो हवा की रफ्तार ने उन्हें वापस फैक्ट्री की तरफ धकेल दिया। इसके बावजूद लोग डरे नहीं और कुछ लोग दिलेरी के साथ तूफान का वीडियो बनाते रहे। ऐसे ही एक पत्रकार को समंदर के किनारे खड़े होकर रिपोर्टिंग करने की कीमत भी चुकानी पड़ी, जब ऊंची लहरों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। हालांकि तूफान के तट से टकराने के कुछ वक्त बाद तूफान की रफ्तार कम हो गई। हांगकांग की सूरत बिगाड़ने के बाद ये तूफान चीन के मकाओ और गोंगडोंग से टकराया और यहां भी हाथों तूफान का वही रूप दिखा जो हांगकांग में नजर आया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मकाओ में तो हवा इतनी तेज थी कि 3 महिलाएं उसके थपेड़े को झेल ही नहीं पाई। तेज हवाओं ने उन्हें दूसरी ओर धकेल दिया। यहां पेड़ से टूटा हुआ एक हिस्सा फुटपाथ पर तेजी से घिसटने लगा। एक निर्माणाधीन मकान के ऊपर लगी क्रेन हवा में उड़ गई। चीन में हाथों तूफान किनारे से इतनी तेजी से टकराया कि समुद्र का पानी कुछ ही घंटे में शहर में घुस गया और पूरा इलाका पानी से भर गया। तूफान को देखते हुए चीन में करीब 420 उड़ान रद्द कर दी गई। और एहतिशाम खान बड़ी खबर दे रहे, 3 तलाक पर अहम फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार के मामले में फैसला सुनाएगी। निजता का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यों वाली पीठ फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। 2012 में आधार कार्ड को लेकर यूपी की सरकार को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद ये मामला अगस्त 2015 में संविधान पीठ को सौंप दिया गया। तो आज इस पर फैसला आ सकता है, निगाहें इस बात पर होंगी। अगर ऐसा होता है तो कई जो आम जनता है उन पर ये असर डालेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार के मामले में फैसला सुनाएगी। निजता का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यों वाली पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार को लेकर कई याचिकाएं लगातार दाखिल की गई थी। 2012 में आधार कार्ड को लेकर यूपीए की सरकार को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद ये मामला अगस्त 2015 में संविधान पीठ को सौंप दिया गया था। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में दर्जन भर से ज्यादा लोग पुलिस की हिरासत में खड़े नजर आए। यहां पुलिस ने एक अवैध कैसीनो पर छापा मारकर 5 लड़कियों समेत 30 लोगों को पकड़ा।
और जिसके बाद पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। इनमें अधिकतर आरोपी गुरुग्राम के व्यापारी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस सेना के रिटायर्ड अधिकारी का है, जिसे उसने किराए पर दे रखा था। पुलिस ने मौके से 3 करोड़ की कीमत के जुए में इस्तेमाल होने वाले सिक्के, 14 लग्जरी गाड़ियां और शराब बरामद की। बड़ा कैसीनो बार जो है ये इलीगल तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने बस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक इस फार्म हाउस में फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग भी होती थी। आरोप है कि करीब 13 एकड़ में फैले इस राजमहल फार्म हाउस में बीते 2 महीने से अवैध रूप से कैसीनो चल रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ यहां छापा मारकर अवैध कैसीनो का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस को किराए पर देने से पहले किसी तरह का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, और ना ही यहां पे किस तरह का व्यवसाय या क्या काम चल रहा है उसके बारे में कोई सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। पकड़े गए आरोपियों में कुछ दिल्ली और नोएडा के भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। शीतल नांदल बड़ी खबर दे रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के ओपीडी में बुधवार को एक महिला डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। हड़ताल पर चल रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके साथ मारपीट की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस बार उन्हें इसके विरोध में हड़ताल पर जाना पड़ा। हालांकि दूर दराज से अच्छे इलाज की उम्मीद के लिए जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं, अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी गेट से ही उन्हें वापस लौटा दे रहे हैं। ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है सफदरजंग में, हम यहाँ पे पेशेंट्स की सर्विस के लिए हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका रीजन ये है कि मिनिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो है ईयर जो प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। बीइंग फीमेल हम लोगों को बहुत डर लगता है कि कोई आके कुछ भी बोल जाएगा। मुझे बुखार है, 102-103 से नीचे तो आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें। हड़ताल पर डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी का एड्रेस है, डिलीवरी होने वाली है भैया, बहुत दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं कि कहीं पे भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ले जाए, यहाँ पर नहीं होगा। शीतल नांदल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शीतल, ये हड़ताल के बारे में अभी आश्वासन किसी प्रकार का उनको मिल पाया, खत्म होने की उम्मीद जताई जा सके? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इमरजेंसी सेवाएं जो है वो बाधित करने की बात आई है, जिसके चलते साफ तौर पर जो है प्रशासन जल्द से जल्द इस पूरी जो हड़ताल है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर इनकी जो समस्याएं हैं, डॉक्टर्स की जो मांग है, उन्हें पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए तो भी ऐसा रास्ता जरूर निकाला जाएगा, जिसके चलते कम से कम इमरजेंसी सेवाएं जो है वो शुरू कर दी जा सके। ओपीडी में कम, अगर उतने डॉक्टर नहीं तो कम डॉक्टर जो है वो जरूर रहे, ताकि जो मरीजों को समस्याएं आ रही हैं वो ना हो। जिस तरह से एक महिला की अभी हमने आवाज सुनी कि वो बोल रही कि वो उनकी डिलीवरी होने वाली है, तब भी उन्हें गेट से बाहर लौटा दिया गया। तो इस तरह जो एक सरकारी अस्पताल में, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, तो सरकारी अस्पताल में इस तरह से हालात नहीं होने चाहिए। उसी के लिए जल्द से जल्द जो है हड़ताल को खत्म करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया शीतल। यूपी के औरैया में रेल हादसे के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु के एक ट्वीट से विपक्ष उन पर हमलावर हो गया, क्योंकि सुरेश प्रभु ने ट्वीट के जरिए रेल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश की। और औरैया में हुए रेल हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट कर लिखा कि रेलवे की बेहतरी के लिए बीते 3 साल में मैंने अपना खून पसीना बहाया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैंने दशकों पुराने सिस्टम को सही करने की कोशिश की, रेल हादसे से मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मैंने प्रधानमंत्री से मिलकर इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है और उन्होंने मुझे इंतजार करने के लिए कहा है। हालांकि औरैया रेल हादसे के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अशोक मित्तल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सुरेश प्रभु ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। हालांकि प्रधानमंत्री ने अभी सुरेश प्रभु का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, लेकिन उनके ट्वीट ने विपक्ष को हमले का मौका दिया और एक के बाद एक विपक्ष कई नेताओं ने पीएम से उनका इस्तीफा कबूल करने की मांग की। और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 2 कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री से सुरेश प्रभु को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। प्रधानमंत्री जी या तो रेल मंत्री को पदमुक्त करें या उनके इस्तीफे की पेशकश को मंजूर कर उनका इस्तीफा लें। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर का रुख थोड़ा नरम रहा और उन्होंने सुरेश प्रभु के इस्तीफे की पेशकश का सम्मान करते हुए उसे सही कदम बताया। इफ ही फील्स दैट पॉलिटिकल मोरालिटी शुड लीड हिम इन दिस डायरेक्शन, दैट इज समथिंग व्हिच सर्टेनली नीड्स टू बी कंसीडर्ड। वहीं टीएमसी नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने सुरेश प्रभु के बहाने पीएम पर निशाना साधा।
लेकिन विरोधियों का हमला यहीं पर नहीं रुका और सुरेश प्रभु के इस्तीफे की पेशकश के बावजूद आरजेडी ने उन्हें जमकर कोसा और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सुरेश प्रभु को रेल हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार करने की बात कही। इस्तीफा के लायक सही है वो, एक क्षण भी रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष का हमला बढ़ता देख वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए और साफ किया कि इस मसले पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री ही लेंगे। अकाउंटेबिलिटी इज अ गुड सिस्टम इन गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर विल टेक अ डिसीजन ऑन व्हाटएवर रिक्वेस्ट द रेलवे मिनिस्टर हैज मेड। और अय्या रेल हादसे के बहाने शिवसेना ने भी केंद्र पर निशाना साधा और बुलेट ट्रेन चलाने से पहले रेलवे की हालत सुधारने की बात कही। इस बीच अशोक मित्तल के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद अब अश्विनी लोहानी को रेलवे बोर्ड का अगला चेयरमैन बनाया जाएगा। फिलहाल अश्विनी लोहानी एयर इंडिया के सीएमडी हैं। इससे पहले वो दिल्ली के डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर भी रह चुके हैं और दिल्ली में रेल म्यूजियम के डायरेक्टर पद पर भी काम कर चुके हैं। और मोहम्मद सफी शमसी बड़ी खबर दे रहे हैं। विजयदशमी के बाद मूर्ति विसर्जन नहीं, ममता बनर्जी का ये बयान आया। ममता सरकार के आदेश पर अब ये विवाद बिछड़ गया है। अब बीजेपी लगातार इसके पुष्टिकरण की राजनीति बता रही है। ऐसा आदेश दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा कि मुहर्रम के दिन बंगाल में मूर्ति विसर्जन का वक्त 6 बजे तक ही तय किया गया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर राज्य सरकार के एक आदेश पर यह विवाद छिड़ गया। सुबह की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर 30 सितंबर की शाम 6 बजे से लेकर 1 अक्टूबर तक रोक का आदेश दिया है। ममता के मुताबिक 1 अक्टूबर को मुहर्रम के जुलूसों की वजह से दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर रोक रहेगी। 2016 में भी ममता सरकार ने इसी तरह का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो एक विशेष समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है। 2016 में दशहरा 11 अक्टूबर को था, जबकि 12 अक्टूबर को मुहर्रम था। যারা দশমীর দিন সন্ধ্যে 6টার মধ্যে বিসর্জন করবেন তারা কিন্তু বিসর্জন করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। पश्चिम बंगाल में बड़ी सियासी जमीन तलाश रही बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और ममता बनर्जी जी को हिदायत दी थी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि ऐसा नहीं करना है। इस वर्ष पुनः ममता बनर्जी कोर्ट के इस आदेश को दरकिनार करके केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ये वांछनीय है, ये उचित नहीं है। सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति का कारण हिंदू मुसलमान में पश्चिम बंगाल को डिवाइड करना चाहता है। इस बार भी दुर्गा पूजा में जो विसर्जन है उसमें पाबंदी लगाने का कोशिश कर रहा है। हम इस पाबंदी को स्वीकार नहीं करेंगे। मलेशिया के पास समंदर के ऊपर जब एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तब उस पर सवार अमेरिकी सैनिकों की निगाहें पानी पर टिकी थी। वो अमेरिकी जंगी जहाज के हादसे में लापता नौ सैनिकों की तलाश कर रहे थे। यह हादसा सोमवार को हुआ और इसके बाद अमेरिका ने अपने सातवें बेड़े के कमांडर को हटाने का फैसला किया। वो भी तब जब समंदर में लापता नौ सैनिकों की तलाश अब भी जारी है। हेलीकॉप्टर से समंदर को खंगाला जा रहा है। इस बीच मलेशिया की सेना को समंदर में कुछ शव मिले जिन्हें उसने अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दिया। जून में भी अमेरिका के 7 नौसैनिक मारे गए थे। उनकी मौत भी समंदर में एक जहाज से जंगी जहाज की टक्कर के कारण हुई थी। 2 महीने में हुए 2 हादसों की वजह से ही अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े के कमांडर वाइस एडमिरल जोसेफ ओकोइन को हटा दिया। हालांकि हादसे की जांच अब भी जारी है। सोमवार को मिसाइल से लैस अमेरिकी जंगी जहाज एक तेल टैंकर से टकरा गया था। इस हादसे में 10 अमेरिकी नौसैनिक लापता हो गए। अब दोनों हादसों की जांच इस नजरिए से भी की जा रही है कि कहीं दोनों हादसे साइबर हमले की वजह से तो नहीं हुए। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को बाढ़ से निपटने के लिए पूरी मदद देने का भरोसा दिया। बिहार में बाढ़ की मुसीबत के बीच केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे पूर्व विधायक मंजीत सिंह को नाराज ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और घंटों पानी में बैठाए रखा। 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में आंध्र प्रदेश और गोवा में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया, जबकि दिल्ली की बवाना सीट पर बेहद कम मतदान हुआ। कानपुर के हैलेट अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने की वजह से एक शख्स को अपने घायल बेटे को कंधे पर लादकर भटकना पड़ा। यूपी के कुशीनगर जिले के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में महिला की मौत हो गई। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक प्राइमरी स्कूल से 7 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर एबी डेविलियर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने की इच्छा जताई।
टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से पकड़ बना रहे जियो फोन की प्री बुकिंग आज से शुरू हो रही है। जिन ग्राहकों ने इस फोन में रुचि दिखाई थी उन्हें एसएमएस के जरिए जानकारी भेजी जा रही है। जियो फोन की प्री बुकिंग आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। ग्राहक jio.com या myjio या नजदीकी स्टोर पर प्री बुकिंग करा सकते हैं। जियो फोन की ग्रामीण इलाकों में भारी मांग है। शहरी इलाकों में भी रिटेलर जियो फोन के लिए बड़े ऑर्डर दे रहे हैं। बाढ़ के बावजूद बिहार उन राज्यों में एक है जहां रिटेलर जियो फोन की मांग सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, MP और राजस्थान में भी जियो फोन के लिए भारी ऑर्डर मिल रहे हैं। जियो फोन की खूबियों को देखते हुए शहरी ग्राहकों में भी इसे लेकर उत्साह है। अमेरिका के एरिजोना में कुछ पुलिस वाले लोगों के सामने सड़क पर आंसू गैस के गोले फेंकने लगे। ये लोग एरिजोना के फीनिक्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली का विरोध कर रहे थे, लेकिन जल्द ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसे संभालने के लिए पुलिसकर्मी सड़क पर आंसू गैस के गोले फेंकने लगे। भीड़ पर काबू पाने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। इसके बावजूद लोग राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध जताते रहे। उसी वक्त यहां से कुछ ही दूरी पर फीनिक्स के कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रपति ट्रंप एक रैली को संबोधित करते रहे। अपने भाषण में उन्होंने देश के मीडिया पर भी निशाना साधा। उनका आरोप है कि मीडिया ने उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ट्रंप ने वर्जीनिया की शार्लेट्सविल में एक रैली के दौरान हुए हादसे पर भी दुख जताया। What happened in Charlottesville strikes at the core of America. ट्रंप की रैली के दौरान लोग ड्रेन द स्वाम्प यानी दलदल को साफ किया जाए के नारे लगाते दिखाई दिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शार्लेट्सविल में हुई हिंसा के लिए श्वेत राष्ट्रवादियों के साथ वामपंथियों को जिम्मेदार बताया था। इस पर उन्हें मीडिया और विपक्ष की आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन सभी आलोचनाओं का जवाब ट्रंप ने इस रैली में दिया। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में बहुत सी विकास योजनाओं को डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से पास नहीं कराया जा सका। They have no ideas, they have no policies, they obstruct. ट्रंप ने इस रैली में इशारों में मैरिकोपा के पूर्व काउंटी शेरिफ जो अरपायो को माफ करने का इरादा भी जताया। जो अरपायो को नस्लवाद के एक मामले में कोर्ट के अवमानना का दोषी पाया गया था। तमाम विवादित मुद्दों को छूने के बावजूद ट्रंप ने इस रैली में देश को एकजुट होने का पैगाम भी दिया। भ्रष्टाचार के मामले में पी चिदंबरम के बेटे से पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से सीबीआई ने पूछताछ की। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने जनता से जुड़ा मुद्दा बताया। चीन से सीमा विवाद के बीच गुजरात के सूरत में 10,000 लोगों ने चीन के सामान के बहिष्कार का संकल्प लिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने इच्छा जताई कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को एनडीए का हिस्सा बन जाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि नवीन जी और मोदी जी दोनों मिल जाएं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी की कानून व्यवस्था और दूसरे मुद्दों को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। 3 तलाक को अवैध करार दिए जाने के बाद भी यूपी के मेरठ में भरी पंचायत के सामने अपनी पत्नी को तलाक देने के आरोपों पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चीन के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान डोकलाम विवाद पर कोई बात नहीं होगी। केरल हाईकोर्ट ने एक कंपनी को ठेके दिए जाने में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीएम पिनरई विजयन को आरोप मुक्त करने का फैसला बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण का फायदा पाने वाली जातियों की आय सीमा में बदलाव का ऐलान किया है। इस बदलाव की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ा दी। अब सालाना 8 लाख रुपए तक कमाने वाले अन्य पिछड़ी जातियां क्रीमी लेयर में आएंगी। पहले यह सीमा 6 लाख रुपए थी, 6 लाख रुपए सालाना थी। सरकार का तर्क है कि इस फैसले की वजह से ओबीसी के तहत आने वाले ज्यादा लोगों को आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। केंद्र ने ओबीसी के अंदर आने वाली जातियों की सब कैटेगरी बनाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया है। यह आयोग 12 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी के अंदर आने वाली जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है, जिसकी लिमिट 6 लाख रुपए थी, 6 लाख से बढ़ाकर केंद्र सरकार के लिए 8 लाख कर दिया गया है। वार्षिक आय 8 लाख रुपए होगी, उसके बियॉन्ड जो होगा वो उस लेयर में आता है। केंद्र के इस फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की और कहा कि इससे गरीबों का हक छिन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल आरक्षण से छेड़छाड़ तो कर रही है,
आप अगर क्रीमी लेयर की लिमिट को बढ़ाते जाएंगे और अब 8 लाख रुपए तक ले आएंगे, जो पिछड़े वर्गों से आता है उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा?